Okay, this is our new chapter, chapter 23rd, Pochampalli. This is the name of this chapter. Let's start. Vani and Prashad live in a village called Muktapur. जो इसमें character है, जैसा कि हर एक chapter में रहता है, इसमें Vani और Prashad नाम के दो character हैं, जो कहाँ रहते हैं? मुक्तापुर में. Their home is always filled with bundles of bright colors threads. उनका घर हमेशा भरा रहता है बहुत चमकीले चमकीले धागों के बंडलों से. ठीक है, हमेशा भरा रहता है. देयर मदर एंड फादर एंड एवरीवन एल्स इन द फैमिली आर वीवर्स. उनके घर में सभी लोग, उनके मम्मी पापा जो पेरेंट्स हैं और भी जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो सब क्या हैं? बुनकर हैं. ठीक है, द वीविंग दैट दे डू इज वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेशल. जो वो बुनते हैं वो बहुत बहुत सुंदर और बहुत ही विशेष होता है. मुक्तापुर विलेज इज इन द पोचमपल्ली टाउन मंडल ऑफ तेलंगाना. ये मुक्तापुर गांव कहाँ पर है? पोचमपल्ली टाउन में, जो तेलंगाना में है, तेलंगाना स्टेट में. ओके, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन देयर ओन इन दिस टाउन आर वीवर्स. इस यहाँ पर जितनी भी फैमिलीज रहती हैं, ज्यादातर फैमिलीज क्या है? बुनकर हैं. दे दैट इज वाई द स्पेशल क्लॉथ दैट दे वीव इज कॉल्ड पोचमपल्ली. इसीलिए जो वो बुनते हैं उस जो कपड़े को, उसको स्पेशल नाम से ही बुलाया जाता है. उसका नाम है पोचमपल्ली. द विलेजर्स हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम. जो यहाँ के गांव के लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो इस काम को बहुत कई पुस्तों से करते हुए चले आ रहे हैं. यानी बहुत लंबे समय से इनके इनके पारिवारिक ये काम चलता चला आ रहा है. वानी एंड प्रसाद्स पेरेंट्स लर्न वीविंग फ्रॉम देयर एल्डर्स. जो इनके पेरेंट्स हैं वानी और प्रसाद के, उन्होंने अपने बड़ों से ये काम सीखा. नाउ वानी एंड प्रसाद आल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल. और अब जब वानी और प्रसाद स्कूल से अपने लौट कर आते हैं, तो वो भी अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं. दिस वीविंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क. जो ये बुनाई का काम होता है, बुनना होता है, ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्क होता है, बहुत ज्यादा परिश्रम का काम होता है. एंड मैनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन बिफोर एक्चुअली वीविंग. और बहुत सारी तरह तरह की चीजें इसमें करनी पड़ती हैं जब हमें इसका काम एक्चुअल में, बुनाई का काम जो होता है बुनकरों का, वो हमें क्या करना पड़ता है? देखना पड़ता है. उसमें बहुत सारे काम होते हैं. उसके लिए बहुत पहले से कई चीजों की तैयारी करनी पड़ती है. फ्रॉम थ्रेड्स टू क्लॉथ. कैसे कोई धागा एक कपड़े से कपड़े तक बनता है. फादर ब्रिंग्स बंडल ऑफ थ्रेड्स फ्रॉम पोचमपल्ली टाउन. पहले उनके पिता पोचमपल्ली टाउन या कस्बे से वो जो धागे होते हैं पहले लेकर आते हैं. मदर देन पुट दीज थ्रेड्स इन बॉइलिंग वाटर टू वॉश अवे द डर्ट एंड स्टेन्स. और जो उनकी माँ होती हैं, वो क्या करती हैं? उनको सभी जो धागे होते हैं उनको गर्म पानी में उबालती हैं, पहले वॉश करती हैं, उससे धूल निकालती हैं, और जो दाग वगैरह होते हैं उनपे वो सब साफ करते हैं. देन एवरीबडी वर्क्स टू डाई द थ्रेड्स विथ ब्राइट कलर्स. और उसके बाद उनको कलर किया जाता है, डाई किया जाता है, कई तरह से हर तरह के कलर्स उनको चमकीले रंगों से उनको कलर किया जाता है. These threads are then dried and rolled into bundles. और फिर जब ये सूख जाते हैं फिर उनको बंडल की तरह से बना दिया जाता है, इनको बंडल बना दिए जाते हैं. These bundles are put onto looms and the cloth is woven. और जो बंडल्स होते हैं फिर इनको जो लूम्स होता है, लूम्स यानी कि जहां पर ये बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं करघा. ठीक है, आपने टीवी में देखा होगा कई लोग करघे में काम करते हैं, आपने देखा होगा. बुनकर जो होते हैं वो लकड़ी का जो करघा होता है उसमें काम करते हैं. उसमें वहां जहां जो यहाँ पर ये काम होता है, जहाँ कपड़े बनाए जाते हैं, उनको लूम्स बोलते हैं. ठीक है, एंड द क्लॉथ इज वूवन. और वहां पर कपड़े बनाए जाते हैं. सिल्क क्लॉथ्स एंड सिल्क साड़ीज आर वूवन फ्रॉम द सिल्क थ्रेड. और अगर सिल्क का काम हो रहा है तो वो सिल्क के कपड़े जो बनते हैं, सिल्क चाहे कपड़ा बने या साड़ी बनाई जाए, वो सिल्क के थ्रेड्स से बनाए जाते हैं. और कॉटन के जो होते हैं वो कॉटन के अलग अलग तरह के जो थ्रेड्स होते हैं, कॉटन वाले थ्रेड्स अलग होते हैं, सिल्क वाले थ्रेड्स अलग होते हैं, और भी जो उनके
अलग काम, जितने भी अलग तरह के थ्रेड्स होते होंगे वो उनसे उनके कपड़े बनाते हैं, ठीक है। द लूम हैज मैनी नीडल्स, उसमें करगे में बहुत सारी सुइयां होती हैं। द साइज एंड नंबर ऑफ द नीडल्स चेंज अकॉर्डिंग टू द डिजाइन, और डिजाइन के अकॉर्डिंग उसकी साइज को और नंबर से चेंज किया जाता है नीडल्स को। द वीवर्स वीव द ब्यूटीफुल पोचुपल्ली साड़ी इज ब्राइट कलर, और जो बुनकर होते हैं वो बहुत सुंदर पोचमपल्ली साड़ी को बनाते हैं, ठीक है, बहुत चमकीले कलर्स के साथ या रंगों के साथ। थ्रो देयर ट्रेडिशंस ट्रेडिशनल क्राफ्ट दे हैव मेड देयर रीजन वर्ल्ड फेमस, उन्होंने अपने पारंपरिक शिल्प के माध्यम से अपने अपने जो क्षेत्र को विश्व प्रसिद्ध बनाया है। जो उनका काम है पोचमपल्ली का, वो उन्होंने अपने काम से इसको विश्व प्रसिद्ध बनाया है, क्योंकि ये इनका पारंपरिक काम है। अगर ये पोचमपल्ली साड़ी फेमस नहीं होती तो उस जगह का नाम नहीं हम कैसे प्रसिद्ध होता। फेमस होने के लिए वहां पर, क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा है और पारंपरिक वो शिल्पकार हैं, तो वो जो काम करते हैं बहुत सुंदर डिजाइन्स वगैरह बनाते हैं, कपड़े वगैरह बनाते हैं, जिससे कि वो अपने ही अपने इस काम से, इस माध्यम से उन्होंने अपनी पारंपरिक शिल्प के माध्यम से अपने आप को या अपने क्षेत्र को विश्व प्रसिद्ध बना लिया है। अ क्राफ्ट इज डेंजर इन डेंजर, मतलब जो इनकी शिल्पकारी है वो कहीं ना कहीं खतरे में भी है। कैसे? ग्रेट सिल्क इज नीडेड टू वीव सच स्पेशल साड़ीज, जो बहुत सॉरी ग्रेट स्किल, उसके लिए कुछ भी स्पेशल चीज, स्पेशल साड़ी बनाने के लिए हमको बहुत सारे स्किल की जरूरत होती है, यानी कि हमें वो डिजाइन कैसी बनानी है, कैसा हमें कहाँ कहाँ का कलर यूज करना है, बहुत सारी चीजें। अगर हमें उसको सुंदर दिखाना है, जैसे आप लोग आर्ट करते हैं, आप लोग आर्ट की कॉपी में कुछ डिजाइन पहले बनाते हैं, उस डिजाइन को तरह तरह से डिजाइन बनाते हैं, फिर आप उसमें सोचते हैं कि अब इसमें हम कौन सा रंग भरेंगे, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी बहुत सारी मेहनत लगती है। इट ऑल्सो टेक मैनी डेज ऑफ हार्ड लेबर, और इसमें बहुत सारा दिन लगता है, एक साड़ी बनाने में बहुत सारे दिन लगते हैं तब जाकर एक साड़ी बनती है, ठीक है, इसमें परिश्रम ज्यादा है। आफ्टर ऑल दीज दिस इट इज डिफिकल्ट टू गेट अ गुड प्राइस फॉर दीज साड़ी, और इतना सब होने के बावजूद भी बहुत मुश्किल से उनको एक अच्छा प्राइस या अच्छा पैसा मिल पाता है उस साड़ी के लिए। सिल्क इज बिकमिंग एक्सपेंसिव डे टू डे, और जो सिल्क होती है, सिल्क क्योंकि बहुत महंगी होती है और दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन वो बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, महंगी होती जा रही है। बिग शॉप कीपर गिव वेरी लिटिल मनी फॉर दिस फॉर द साड़ी, और जो बड़े जो होलसेलर होते हैं वो क्या करते हैं, उनको साड़ियों का कम पैसा देते हैं, जितना उनका मेहनताना होता है उससे कम देते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या करते हैं, थ्रो दे देमसेल्व्स सेल देम एट वेरी हाई प्राइस, और फिर जब उनको मार्केट में बेचा जाता है तो वो बहुत हाई प्राइस से टैग लगा के बेचते हैं, उनसे कम के खरीदते हैं और अपना दुगना चौगना पैसा लगा के क्या करते हैं दुकानदार, अपने अपने कपड़े उस उनके कपड़ों को इस तरह से बेचते हैं। दैट इज वाई मैनी वीवर्स आर गिविंग अप देयर फैमिली क्राफ्ट, जिसके कारण इसी कारण से कई जो बुनकर हैं वो अपना पारिवारिक जो ये शिल्पकारी है वो छोड़ रहे हैं, ठीक है। मैनी आर लिविंग देयर विलेजेस टू वर्क एज लेबरर्स इन बिग सिटी, और बहुत लोग अपना ये शिल्पकारी का काम छोड़कर, क्योंकि उनको उतना मेहनताना नहीं मिलता है और डेली जो हम लोगों की महंगाई बढ़ती जा रही है उससे उनका घर खर्च नहीं चलता है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने उस काम को छोड़कर बड़े बड़े शहरों में आकर मजदूरी का काम कर रहे हैं, ठीक है। वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय हेल्पिंग देम गेट अ बेटर प्राइस, अदरवाइज दिस प्रीसियस क्राफ्ट विल बी लॉस्ट फॉरएवर, और हमें इनकी मदद करनी चाहिए, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें जो भी वो बनाते हैं उनको बेटर प्राइस मिलना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये जो प्रीशियस ये मूल्यवान शिल्पकारी है ये हम लोग हमेशा के लिए खो देंगे, ओके। तो अब ये जो क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, देन आई विल सेंड इट इन योर ग्रुप, ओके।